कभी भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो पढ़ने से पहले आपको उसमें अच्छी फीलिंग्स भी आनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और उसमें अगर हमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर वो सब बेकार हो जाता है। तो इन्जॉय करो सबसे पहले, जब तक आप पढ़ाई को इन्जॉय नहीं करोगे आप उसे अच्छे से सीख नहीं सकते। मैथ्स को आप नॉर्मली बचपन से, मैथ्स बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डर लगता है, वो इसको बोरिंग समझते हैं, मैथ्स के टीचर से ही उनको नफरत होती है। बहुत से बच्चे जिन्हें बचपन से मैथ्स नहीं आता, आ गया मैथ्स का टीचर, मुझे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हमने बचपन में सही से नहीं पढ़ा होता, ठीक है। एक बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर जिसे मैथ्स नहीं आता उसे कोई नहीं सिखा सकता, ये सब कहने वाली बातें सिखा सकते हैं। हमें नहीं पता आपकी ये थिंकिंग कैसे डेवलप हुई है, लेकिन कम से कम 50-100 नहीं, हम 1000 बच्चों के मैसेज आपको ऐसे दिखा सकते हैं जो बच्चे हमारे पास ऐसे मैसेज करते हैं कि सर मुझे मैथ्स कभी नहीं आता था और मुझे ये लगता था कि मैं ज़िंदगी में मैथ्स नहीं सीख सकता, और अब वो मैथ्स में एक अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि हमने उनको सिखाया, नहीं, ये बात रियलिटी है कि अगर कोई ये चाहता है कि उसे मैथ्स नहीं सीखना या कुछ भी नहीं सीखना, कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं सीखनी, तो किसी का बाप उसे नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सही कमेंट था आपका, लेकिन उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि हाँ मैं सीख सकता हूँ, ये एक टीचर का काम होता है। और जब किसी भी बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है भाई।